मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गियर बॉक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गियर्स के बारे में, गियर रेशो, गियर लॉ। अगर आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको हर एक वीडियो आपके सामने आएगा। और नया वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा, ताकि नए वीडियो जो भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। तो आइए आज शुरू करते हैं हम गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स इंट्रोडक्शन। क्लच के बाद ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स फिट किया जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम जिसमें इंजन की पावर को रोड व्हील्स तक पहुंचाया जाता है। तो इंजन की पावर को रोड व्हील्स तक पहुंचाने के लिए अलग अलग पार्ट्स यूज किया जाता है। इंजन के बाद जो दूसरा पार्ट, जो पहला पार्ट यूज किया जाता है वो है क्लच। क्लच के बारे में लास्ट वीडियो हो चुकी है। क्लच के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो है हमारा गियर बॉक्स। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो दूसरा पार्ट है वो गियर बॉक्स फिट किया जाता है। इसके द्वारा स्पीड लोड और रोड कंडीशन गाड़ी की स्पीड और गाड़ी के वजन और रोड की कैसी कंडीशन है के अनुसार गियर रेशो और स्पीड रेशो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। गियर रेशो चुन लेते हैं। गियर बॉक्स के अंदर भिन्न भिन्न साइज के गियर लगे रहते हैं। जो गियर बॉक्स है उसमें अलग अलग साइज के गियर लगे रहते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन, जिससे गियर शिफ्ट मैकेनिज्म, जिसके द्वारा गियर्स को शिफ्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, वो गियर शिफ्ट मैकेनिज्म के द्वारा आवश्यक गियर रेशो चुन ली जाती है। गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म के द्वारा गियर रेशो को चुना जाता है। गाड़ी का जो गियर बॉक्स है उस गियर बॉक्स के अंदर अलग अलग साइज के गियर्स, इनपुट शाफ्ट का गियर, नीचे ले शाफ्ट के ऊपर अलग अलग साइज के गियर, छोटे बड़े, बड़े छोटे, और ऊपर मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट, इसके ऊपर गियर, ये अलग अलग साइज के गियर लगे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन गियर रेशो को बड़े के द्वारा छोटा चलाना या छोटे के द्वारा बड़ा चलाना है तो आवश्यकता अनुसार रोड की कंडीशन, गाड़ी के लोड और स्पीड के अनुसार गियर की रेशो हम चुन सकते हैं। इसके द्वारा गियर बॉक्स के द्वारा जब रोड के ऊपर गाड़ी चलाई जाती है तो गियर बॉक्स में गियर रेशो को हम चुनते हैं। आइए आगे बात करते हैं। गाड़ी को जब रोड के ऊपर चलाया जाता है तो निम्न रेजिस्टेंस गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए निम्न रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, प्रतिरोध, रुकावट। जब गाड़ी को रोड के ऊपर चलाया जाता है उसको प्रतिरोध होता है, उसको रुकावट पैदा होती है। तो वो अलग अलग रुकावटें हैं, वो कौन कौन सी रुकावटें हैं। नंबर वन, रोड रेजिस्टेंस। रोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रोड कैसा है? रोड कच्चा है, पक्का है, चढ़ाई है, उतराई है? तो वो रोड की कंडीशन, जो रोड की स्थिति है, वो प्रतिरोध, वो गाड़ी को क्या करता है? रोकता है। रोड अगर चढ़ाई है तो गाड़ी के ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाएगा, अगर खड्डे हैं तो गाड़ी के ऊपर लोड रहेगा। रोड कैसा है, रोड रेजिस्टेंस जो रोड का है वो भी गाड़ी को क्या करता है? रोकता है। और नंबर टू, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस हवा के द्वारा गाड़ी का डिजाइन कैसा है, गाड़ी की शेप कैसी है। अगर आप आगे को हवा आगे से आ रही है, आप खुले होके ऐसे दौड़ते हैं, या आप किसी शीट को, काफी बड़ी शीट को लेके चलते हैं और दौड़ते हैं, तो क्या होगा? वो पूरी की पूरी हवा आपको रोकेगी। तो वैसा ही गाड़ी में भी होता है, हवा जो है वो, गाड़ी जो चल रही है वो गाड़ी को हवा भी रोकती है, एयर उसको रोकने की कोशिश करता है। तो दूसरा आपका क्या है? एयर रेजिस्टेंस। नंबर थ्री,
ग्रेविटी रेजिस्टेंस। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या करता है? गाड़ी को रोकता है। रेजिस्टेंस पैदा होती है, प्रतिरोध पैदा होता है गाड़ी इस ग्रेविटी के कारण भी रुकती है। जो चुंबकीय, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी क्या करता है? गाड़ी को आगे जाने से रोकता है। नंबर फोर, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस, गाड़ी के अंदर कितना लोड है, जो वजन गाड़ी का है, वो भी क्या करता है? गाड़ी को आगे चलने से रोकता है। जो गियर बॉक्स गाड़ी में यूज किया जाता है, वो गियर बॉक्स इन सभी रेजिस्टेंसों के विपरीत काम करता है। जब गाड़ी रोड के ऊपर चलेगी तो ये सारे के सारे प्रतिरोध जो है, ये सारी की सारी रुकावटें गाड़ी को रोकती हैं, तो उन सभी के विपरीत जब गाड़ी को चलाना है तो गाड़ी में गियर बॉक्स यूज किया जाता है। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स, गाड़ी में गियर बॉक्स को लगाने का उद्देश्य, पर्पस, पर्पस ऑफ गियर बॉक्स, सबसे पहला गाड़ी में ज्यादा भार पड़ने पर, गाड़ी को चढ़ाई में चढ़ाने पर, लोड, लोड और चढ़ाई में चढ़ाने पर, लोड बढ़ने पर, चढ़ाई में चढ़ाने पर, खड़ी गाड़ी को चलाने पर, खड़ी गाड़ी को चलाने के लिए या गति देने के लिए, इंजन की टॉर्क को बढ़ाने के लिए, इंजन की टॉर्क को बढ़ाने के लिए, यह इसका काम है। लोड के अनुसार गाड़ी को चढ़ाई में चढ़ाना है, गाड़ी में लोड कितना है उस हिसाब से आप गियर बॉक्स में गियर को चुन सकते हैं। खड़ी गाड़ी को चलाने के लिए, जो गाड़ी जब आपकी स्टे पोजीशन पे है, रुकी हुई गाड़ी है, तो वो जीरो स्पीड के ऊपर है, इंजन स्टार्ट हुआ है, तो उस गाड़ी को गति में लाने के लिए गियर बॉक्स यूज किया जाता है। इंजन की टॉर्क को बढ़ाने के लिए, इंजन की टॉर्क को इंक्रीज किया जाता है, जिसके द्वारा जो गाड़ी आपकी है रोड के ऊपर चलती है, क्योंकि गाड़ी जो है वो स्थिर है, जीरो पे है। अगर इंजन आपका 1000 RPM पे है, तो 1000 RPM के ऊपर आपका इंजन चल रहा है, गाड़ी जीरो पे है, तो उसको वहां से टॉर्क वजन को उठाना पड़ेगा, तो उस वजन को उठाने के लिए गियर रेशो को चुना गया। गियर बॉक्स में गियर रेशो है, तो उसके बाद फर्स्ट गियर इसमें डाल दिया, जिसमें टॉर्क इंक्रीज होगी और स्पीड जो है डिक्रीज होगी। फर्स्ट गियर के ऊपर आपकी गाड़ी लोड ज्यादा उठाती है, जो इसकी स्पीड है वो इंजन के RPM से कम रहेगी। नंबर टू, आवश्यकता पड़ने पर गाड़ी को कम या ज्यादा स्पीड पर चलाना, गाड़ी को कम या ज्यादा स्पीड पर, कम या ज्यादा स्पीड पर चलाना, गाड़ी को कम या ज्यादा स्पीड के ऊपर गियर बॉक्स के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट, गाड़ी को रिवर्स, रिवर्स अगर गाड़ी को करना है तो गियर बॉक्स के द्वारा रिवर्स गियर में डाला जाता है। अभी बात करें गियर के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स कितने प्रकार के हैं? गियर बॉक्स टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स, फोर टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। नंबर वन, सबसे पहला आता है हमारा स्लाइडिंग मैस। स्लाइडिंग स्लाइडिंग मैस गियर बॉक्स। नंबर टू, कॉन्स्टेंट मैस
गियरबॉक्स, सिंक्रोमैस, गियरबॉक्स और नंबर फोर प्लेनेटरी प्लेनेटरी और एपिसाइक्लिक। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन गियरबॉक्स के टाइप्स की और ये कैसे काम करते हैं। थैंक यू।